देखिए मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर तमाम किसान जो है 50 दिन से जो है इनका आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर किसान जो है जुड़ चुके हैं। मैं आपको पहले परिचय दूंगा। जी सभी को हाथ जोड़कर राम राम। मेरा नाम परमवीर सिंह है, जिला शामली यूपी से आया हूँ मैं। अच्छा, जिस तरीके से ये जो बिल है कहते हैं हित में है किसानों के, किसानों को समझना बहुत जरूरी है। ये जब ये कह रहे हैं कि ये हमारे हित में है किसानों के, हम मानने इस बात को हित में, हम तो लेते नहीं सर, क्यों जबरदस्ती दो। अब मेरे पास ये है, मैं आपको जबरदस्ती दे लगे ले ले तो अच्छा अच्छा, जब आप नहीं पसंद कर रहे तो लेते नहीं, आपको खंभा खा जबरदस्ती करे वापस ले गए डब करे खत्म। किसान अपने गुरु अपने उसमें, इन्हें अपनी मट्टी पलीत करवानी, इनकी मट्टी पलीत होगी जो आगे चुनाव आओगे, इनकी मट्टी पलीत होनी। हरियाणा में खट्टर की तो होली, ये मारे आ रहे ये योगी जी, इनकी हो जाएगी झूठ। हर बात में झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलना, हर बात में गौ का पिशाब का गोबर का जिका ठहरे, दूध घी का कहीं जिक्र नहीं है। नू क्या दूध वो गोबर तो लीप लो, पिशाब पी लो, नू हो जाएगा गाय का वो हो जाएगा। अरे दूध घी तो फिर गोबर पे लग जाओ, वो दूध घी की क्या जरूरत है। जो दूध यहाँ चल रहा है पिकनिक बता रहे हैं। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं झूठ बताओ, यहाँ किसान पड़े सर्दी इतनी है, एसी आराम से भी अपने हीटर घर में लगा के लौट रहे, आराम से सब अपने हीटर है, सब अपने कमरों में लौट रहे। लेकिन ये देखो किसान जो यहाँ पड़ा है ये खुले में पड़ा, बारिश भी है सर्दी इतनी है, क्या हाल है इनका बताओ किसानों का। ये कह रहे हैं बिरयानी खा रहे, अरे बिरयानी कौन खा रहा है, अगर देखो तो यहाँ आकर लौटो तो एक दिन इनके पास आकर आओ यहाँ से। झूठी सरकार है, हर बात में झूठ बोल रहे, हम नु करेंगे, हम 14वें दिन में पेमेंट दवाओगे, हम बिजली का बिल माफ करेंगे, हम फुलाना करेंगे, हम डिगड़ा करेंगे, बताओ कहीं में करें बिजली का बिल। अब तो कोर्ट ने भी समिति बना दी है, उसमें कहा है कि इसमें रिपोर्ट जो है वो लगाई जाएगी। कमेटी किसके, चार आदमी वही निके, मारो तो एक भी नहीं, बिल के चारू निके बैठे हैं, जो समर्थक है वो जो बिल के वे तो चारू निके, मारा तो बीच का एक भी नहीं है। हमारा किसान भाई तो कोई है ही नहीं, उनमें अपनी कमेटी बने अपने आप बना ली। और रही कोर्ट की बात, कोर्ट की बात चलो ठीक है अच्छी बात है, कोर्ट की सिर माथे में बात, लेकिन एक बात तो बताओ कोर्ट तो ये भी कहे ना भाई तुम इसका किसानों का 14वें दिन पेमेंट दो, दो अन्य ब्याज दो, जब कोर्ट कहाँ चले जाए इनका, जब कोर्ट नहीं पाता इनका। गए कह रहे हो कि वो उसी के समर्थन में है जो कमेटी के सदस्य है। देखिए जो जो जिसको जानकारी होगी इस बिल के बारे में वही तो सदस्य बनाए जाएंगे ना। नहीं जानकारी तो है लेकिन बूझना तो सबसे चाहिए ना, जो किसान है इनसे बूझ जाए, किसान यहाँ इतने दिन से धरने पड़े, कुछ तो कारण होगा इसका। ये बावड़े तो है नहीं, खम्मा खाया गया, खाट घेर कर फट के टेंट लगा के, कुछ तो कारण होगा इस बात का। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा कानून, उसमें कुछ ना कुछ तो है। अब इतने बड़े बड़े हरियाणा में देखे आपने, हरियाणा में अडानी अंबानी के इतने बड़े बड़े वो बन गए, क्या बोल रहे ना गोदाम, गोदाम बनाए थे बड़े बड़े गोदाम, ये तो जब है खुली जब गोदाम बना लगे वहां मगर यू क्या होगा, ये तो अपने अपनी मर्जी। अच्छा एक बात बताओ, बस एक ही बात, कोई भी चीज ऐसी है कि जो अपने, मैं आपके पास गया, आपके पास से मैंने आपका फोन लिया, आप अपने रेट दोगे मेरे रेट दोगे, किसान की सारी चीज दूसरे के रेट है, हम गन्ना देंगे मील बताओगा, हम तो भाई 325 लेंगे, रेट भी नहीं, रेट तो नहीं। हाँ सुनो मील, अब जो है 2 महीने 14 दिन आज मील चलते हो गए, 2 महीने 14 दिन हमारा मिल चलते होंगे शामली, आज लोग का उस पर पर्ची पर रेट नहीं है, 0-0 है उसके सामने, बताओ क्या करें। पिछले 1.5-2 महीने का आप भी रुक रहा बकाया, ये कह रहे हमने पूरा पेमेंट दे दिया, पूरा किसको दे दिया पूरा पेमेंट, किसको दे दिया पूरा पेमेंट बताओ, गन्ना मंत्री बनते हैं गन्ना मंत्री। अच्छा सर, कोर्ट ने भी कहा है कि जो बड़े बूढ़े हैं और महिलाएं हैं बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे नहीं ठहराया जाएगा आंदोलन में, उन्हें घर भेज दो, फिर भी यहाँ पर हैं। उनमें जोश है जुनून है, वे जाना नहीं चाहते, वे यहाँ शहीद होना चाह रहे, मरना चाह रहे, लेकिन घर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि घर से उन्हें भेज रखा बिल वापसी, तो घर वापसी नहीं, यहीं शहीद होना, घर नहीं जाना इतने, या तो घर या तो यहाँ शहीद होंगे या बिल वापस करवा के जाएंगे अंत, इस तो पहले जाने के अंत। अच्छा जो 26 जनवरी को परेड होनी है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप लोगों का क्या है, हो पाएगी आप? हाँ नहीं बिल्कुल चलेंगे, ट्रैक्टर की तैयारी है, रोज दी ऐसा लोरी ट्रैक्टर आ रहे 4-5 हज़ार, 1 लाख ट्रैक्टर जाएंगे कम से कम 1 लाख, की आपको अंदर एंट्री करने देंगे बिल्कुल, एंट्री कौन रोक देगा, कोई नहीं रोकने, जितना इतना शक्ति होगा वहाँ पर। एक आप जब हाथी चले है नहीं, हाथी देखे आपने, ये जो कुत्ते पुत्ते हो नहीं बराबर के अपने आप ही साइड में लगता चले जा, जी हाथी मस्त है का चले, ये वे जाट है, ये वे किसान है, ये वे किसान है, जो मस्त हाथी हो नहीं कुछ नहीं अड़ता, बड़े बड़े रूख नहीं उखड़ते चले जा, ये वे किसान है, ये किसान है, कुछ हानि हुई तो पाड़ के की धरती को पाड़ के उसमें तो बीज उगा दे, फिर फसल खराब हो गया फिर उगा देंगे, फिर होगा फिर, ये नहीं अटते, ये तो किसान है, इन्हें तो बचपन में बच्चों को सिखाया जाए, यू कह लग भाई फावड़ा है नु खुद है इस्तेनु, इन्हें भी सिखाया जाए तो उसमें लोट। आप कह रहे हैं कि इस तरीके से करेंगे उसमें कोई हानि हुई तो जिम्मेदार कौन, शांति तरीके से होगा, हानि कोई नहीं होने की, शांति तरीके से सब बड़े बुजुर्ग सब साथ है इकट्ठे है आराम से, बहुत ही आराम तक करेंगे, कोई उसमें हानि नहीं होने की, बहुत अच्छा होगा, जाएंगे जरूर, तो 1 लाख ट्रैक्टर लेगा कम से कम, 70 किसान अब तक मर गए उनकी काम देख रहा, कौन जिम्मेदारी ले रहा है उसकी, उनका क्या होगा, वो भी तो हानि है, घर का एक सदस्य कम हो गया बिल्कुल,
जो खाने कमाने वाला जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो चला गया, फिर क्या रहेगा? आपने तो नहीं कहा था ना कि आपने बड़े बूढ़ों को यहाँ पर लेकर, ने कही तो ना, पर बिल पास तो सरकार ने करा है। उनकी भी ना गिरुआ हुआ क्यों जी, ना बच्चों को गिरुआ हुआ ना बड़े बूढ़ों को गिरुआ वोट, जवान जवान की गिरवाल है और बड़े बूढ़ों को लिकाड़ी जो दे देश है। एक मिनट, इसमें भी इनकी चाल है, मैं बताऊँ आपको, जो बड़े बूढ़े है, समझदार है, बुजुर्ग है, महिला है, तो बेच दो करूँ, यहाँ रहेंगे कौन हम? फिर इनका तुम टोले मारियो, ये थारे टोले मारेंगे, दंगा करवाएगा अपना, कह दो तो ये तो खालिस्तानी थे, ये इस चाल कुछ नहीं होने दे रहेंगे हम, इस चाल को इनकी चलन नहीं देने का, बड़े भी यही रहेंगे, बुढ़े भी यही रहेंगे, माता बहने सब यही रहेंगे। आप कह रहे हैं कि इनकी चाल है सरकार, आप सरकार को कह रहे हैं ना, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो गन्ने का भी दिया था, हमने तो आज लोग का सुना नहीं, 14 दिन का पेमिट था गन्ने का, पता नहीं कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, जब पता नहीं चलता, जब मारा लट लगा जब तो इनका दर्द हो है, और जब इनका लट लगा जी पता नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माने? नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर माथे पे, सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं बोल सकते कुछ भी, हम सरकार के खिलाफ है, किसान जो है सरकार की लड़ाई है, सरकार की चाहे कोई भी हो, सरकार की साथ लड़ाई है किसान की, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई वो नहीं है, सरकार से भी जब है जब गलत हो। हाँ अच्छा, अब आप लोग कह रहे हैं कि ये बिल वापसी करा कर जाएंगे, लेकिन बिल वापसी तो घर वापसी अन्य सही यही होने, यही बनेंगे हमारे तंबू तमाचे से, ये फिर नूल ले लेकर पक्के बनाने तो ये दस एक हमारे बाबा रामदेव है पौने दो अंकों के, एक और समस्या उसमें सबसे बड़ी, जब तक वो अब उसी जब भाजपा की सरकार से पहले वो 500 करोड़ कितने करोड़ का था उसका, कुछ इतना ही था उसका, और जब से भाजपा की आया 10 टॉप 10 में लिया। अच्छा हेमा मालिनी जो है कि किसानों को ये बिल के बारे में पढ़ना चाहिए? हाँ नहीं पढ़ना तो चाहिए, जब बिना पढ़ुआ रहे, यहाँ तो सारे पढ़े लिखे समझदार है सारे, तो वे तो गुंठटे की भी एक हद, यहाँ तो ऐसा है देखो, इंटर तो फौज में पुलिस में कर दिया और गुंठटे यहाँ मंत्री बन सके, कितना बड़ा कानून है हिंदुस्तान का, उसे पता ऐसी बन गई। हाँ ऐसी बन गई, आई दो चार वे कट्टे चार बाली काटी और बस सांसद बन गई, बता खाने के लिए क्या, खाने के लिए सिर्फ। अच्छा आप एक बताओ, जब उसका वो चल रहा था, कहना चाहते हैं वो किसान नहीं, उससे नहीं, नहीं भ्रष्ट है किसान, नौकर है, आज कहाँ है, अक्षय कुमार जी थे इंटरव्यू भी लिया उन्होंने चुनाव में उसका, मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, इब कहाँ है वो क्या नाम उसका, अक्षय, अब कहाँ है अक्षय कुमार, वो किसानों की नहीं प्यारे में बोल रहा, उन्हें खूब बोल रहा, उन्हें इंटरव्यू लिया, आपने भी देखा होगा चुनाव में इंटरव्यू लिया, जब उसका कोई नहीं मिला तो मोटी मोटी सी बात करी ना, घुमाया घुमाया का करी चुनाव की, अब कहाँ है वो, अब कहाँ है सन्नी देओल, अब कहाँ है ये सारे, अब कहाँ है मैं मान ली, अब सारा किसान यहाँ पड़े, किसान नहीं पड़ा सारा, ये कोई घर तक ठहली है, इनका काम नहीं है, लेकिन ये अपनी उसके लिए पड़ेगा, पड़े हक के लिए, अन्य ऐसा काम हो जाएगा, हम भी मजदूर हो जाएंगे। तो आपका सीधा सीधा कहना है कि ये जो खत्म करेंगे, जड़ता फाड़ेंगे, जड़ता लियाए भी हम ही थे, लियाए भी हम ही थे, हर हर मोदी घर घर मोदी हम ही लाए थे, इबका भी उल्टा करेंगे, इबका पैड करेंगे इसे जड़ते। अगर यहाँ पर आप लोगों को हटा दिया तो हटने के दुनिया से शहीद हो, बताया था ये तो शहीद होंगे या बिल वापसी होंगे, शहीद होंगे, मटने के नहीं यहाँ से, यहाँ होंगे शहीद। 2024 तक कह रहे हैं कि आप लोग यहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अजी यहाँ तो 24 की बात नहीं, 2000 नहीं, आप 3024 लोग कभी रहने की उम्मीद है। दूसरी सरकार आ गई तो उस बीच दूसरी सरकार आएगी, वो जैसा वो चाहेगा उसके देखेंगे, कानून वापसी तक यही रहेंगे, यानी कि कानून वापसी तभी आपकी घर वापसी, घर तो जवाब आ रहे हैं कितना कानून वापसी ना उतना आना ही हो, हमारी जो माता बहने हैं उन्हें पता, ट्रैक्टर भी चला ले वे खेती कर रही, कोई बात नहीं, किसान के बच्चे है वे किसी उसके बच्चे नहीं, उन्हें पता फावड़ा कुकर चले, नक्का कुकर मुंह दे, खाड़ कुकर हो, ईंट कुकर वो है, मुंजी कुकर हो, सब पता उन्हें, कोई टेंशन नहीं है, चाहे हम यहाँ 2 साल में जाइए, जब भी कोई परेशानी नहीं।